इस सवाल में आपको क्या पूछा, आपको एक आपका क्वाड्रेटिक आपका पॉलीनोमियल आपका दे रखा है जनरल फॉर्म आपका, ठीक है। यहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका सवाल बहुत साल आपका आया हुआ है, बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है। इसका नंबर आप जीरो, आपका क्या हो आपका एक अल्फा दे रखा है आपका, दूसरा आपका बीटा दे रखा है आपका, ठीक है। अब ये चीज़ दे रखा, अब इससे एक नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाया जा रहा है आपका। तो जब भी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होता है, जब एक नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, इसका एक जनरल फार्मूला आपका क्या होता है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स के फॉर्म में पॉलीनोमियल दिया गया तो एक्स लिखेंगे, वाई के फॉर्म में दिया गया तो वाई, जेड के फॉर्म में दिया तो जेड लिखेंगे, फिर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स है तो एक्स लगा दिया, समझ में आ गया ना आपका, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका न्यू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का आपका। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जब दिया होगा तो नया बनाया जाएगा, तो ये आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको लर्न करना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए जो आपका नंबर आप जीरो दे रखा आपका था, क्या दे रखा आपका, ये दिया आपका पहले आपका अल्फा था, अब हमारा क्या हो जा रहा है, अल्फा के स्थान पर आपका क्या हो जा रहा है आपका, वन अपन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा आपका, ठीक है। पहले बीटा था तो अब हमारा क्या हो जा रहा है, इसके स्थान पर आपका वन अपन बीटा हो जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है आपका, तब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितना होगा नया वाला, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सम आप जीरो निकालो, फॉर्मूला ही आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका नंबर आप जीरो है तो सम आप जीरो क्या हो जाएगा आपको, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी अपन ए, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपका है, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट आप जीरो क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी बाई ए होता है, ये सी बाई ए हो गया, ठीक है। यही आपका क्या आपका, ये आपका क्या आपका, ये अल्फा हो गया मैंने जो माना था, कोई सा भी अल्फा, ये आपका क्या आपका, ये बीटा हो गया आपका, कोई सा भी अल्फा बीटा मान सकते हो, ठीक, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर रखते हैं सवाल में आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे हमारा क्या, वन अपन अल्फा है, वन अपन अल्फा रख दिया, प्लस बीटा के स्थान पे क्या रहेगा, वन अपन बीटा, वन अपन बीटा, एक्स है तो एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा के स्थान पे वन अपन अल्फा, अब बीटा के स्थान पे वन अपन बीटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इस वहाँ पर रखोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपका अल्फा बीटा आपका क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका बचेगा आपका, ठीक है। ओके, ऐसे लिख सकते हो ना, या तो इसको अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करो नीचे नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मतलब बीटा का, इसका इसके साथ अल्फा का, तो इसको इधर लिख सकते हैं हम, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, एक्स प्लस ये आपका वन अपन अल्फा बीटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कहाँ निकाला बाबू, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी अपन ए डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए, धड़ाक से यहाँ पर हो गया, एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस वन अपन अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए था ना, सी अपन ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इसमें, काटो पीटो, ए से ए आपका नीचे नीचे कट जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर आपका क्या होगा, आपका देगा मल्टीप्लाई आपका प्लस देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 मिलकर आपका प्लस देगा, तो प्लस हो गया आपका बी अपन सी देगा आपका, बी अपन सी, एक्स है तो एक्स लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये ए आपका क्या आपका, ये ऊपर चला गया, तो ए अपन सी हो जाएगा आपका, प्लस ए अपन सी हो जाएगा, यही आपका एक नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होकर तैयार हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, या तो यहाँ पर भी लिख सकते, या तो या और करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हो कॉमन लिखकर, अगर जो सी हम इसमें कॉमन ले लें तो वन अपन सी, अगर हम कॉमन ले लें नीचे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका सी कॉमन ले लें तो हमारा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉमन सी हट गया आपका बी एक्स प्लस ए, तो ये आपका बन जाएगा, ये भी आपका आंसर सही है आपका, ये भी आपका आंसर, जो सभी आपको लिखकर आपका आपका नंबर मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये सवाल बहुत साल आपका पूछा गया आपका, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। ओके, थैंक यू बाबा।